Okay, so let's start with next question, 15 number question. If in a plano convex lens, the radius of curvature of convex surface is 10 centimeter, the focal length of the lens is 30 centimeter, then the refractive index of material of lens will be, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस मतलब आर टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है. अगर आपको याद होगा, जब हमने बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ये सारे हमने फॉर्मूलाज बनाए थे यूजिंग लेंस मेकर इक्वेशन, 1/f=μ-1, 1/r1-1/r2. फिर इसमें हमने साइन कन्वेंशन भी यूज किया था. साइन कन्वेंशन क्या है? प्लेन सरफेस का रेडियस तो इंफिनिटी ही होगा बेसिकली. ओके, और आर टू जो है, आर टू वो नेगेटिव लोगे क्योंकि आर टू का जो रेडियस है, सेंटर है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो नेगेटिव लोगे. तो 1/f=μ-1, 1/∞ -(-1/r). तो 1/f=1/∞ = 0, तो μ-1/r, तो f=r/μ-1. ये फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर लिया था. अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. ओके, तो यू कुड इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज 30. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर शुड वी और शुड वी नॉट बी यूजिंग साइन कन्वेंशन? हमने ऑलरेडी कर लिया ना फॉर्मूला बनाते वक्त. हैव यू यूज्ड हियर साइन कन्वेंशन? यस यू हैव. तो फिर वापस क्यों करना है? तो वापस नहीं करना है. या फिर एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो डू नॉट गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूलाज. तो बोल देना कि साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है. तो फिर आप बोलना कि ठीक है, वी हैव यूज्ड साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही ये फॉर्मूला मिला है. फोकल लेंथ कितना दिया है? 30, है ना? तो वेल, बाय द वे, यहाँ पे ये सिर्फ डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट्स ऑल. आर अपॉन μ-1, तो हमको रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर. μ-1, 1 जा एंड 3 जा, तो यू हैव μ-1, ओके, इक्वल टू 1/3. इसको सॉल्व करो तो μ=1/3 + 1, दैट इज 4/3. 4/3 मतलब 1.33. मतलब ये बेसिकली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 आना, मतलब ये वाटर का लेंस है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर. क्योंकि पता होगा आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, 1.33. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस. ऑलराइट, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट पुट इट वेल विद इन फ्रेम. गुड, अगला क्वेश्चन. अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी. तो ऐसा है कि आपके पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, यू हैव अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है, विच इज बेसिकली केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ द सेम फोकल लेंथ. तो ऐसा है, ये एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फोकल लेंथ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. मतलब ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है. पहले का फोकल लेंथ मैं एफ लेता हूं तो दूसरे का फोकल लेंथ भी एफ होगा, बट जस्ट इन मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड वैल्यू. यू कैन से मॉड ऑफ एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ मॉड मॉड मॉड, ओके, मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन एज ऑफ नाउ. ओके, तो अब
थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ द सेम फोकल लेंथ, गुड, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अभी कॉम्बिनेशन, आपको याद होगा दो लेंस को जब आप कॉन्टैक्ट में रखते हो तो 1/f1 + 1/f2 इज बेसिकली द फाइनल और द फाइनल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, एज यू नो दैट f1 ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉजिटिव होगा। f2 ये कॉन्केव लेंस है, इसके लिए हम नेगेटिव लेते हैं, तो आप लिख सकते हो 1/f = 2। ओके, वैसे ओरल क्वेश्चन था लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, तो 1/f + 1/-f, तो 1/f - 1/f, तो 1/f ये आ गया आपका 0। ओके, तो आपको मिल गया f = 1/0, मतलब आ गया इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, राइट। तो इजी क्वेश्चन था एक्चुअली। ओरल कैसे है, द मोमेंट दे से कि दोनों लेंस का फोकल लेंथ सेम है, आपको पता है कॉम्बिनेशन में 1/f1 + 1/f2 होता है, दोनों का सेम हो गया, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव लेंस है, तो 1/f - 1/f, तो बेसिकली 0 ही आ गया। लेकिन क्या 0 आया, 1/f कॉम्बिनेशन 0 है। ओके, तो फाइनल फोकल लेंथ इज इंफिनिटी, दैट इज व्हाट इट इज। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 84 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर द पावर इन डायोप्टर इज, तो यू ऑलरेडी नो दिस ऑल्सो, बहुत इजी है। You know 1/f = 1/f1 + 1/f2, साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो f1 ये कॉन्वेक्स लेंस का है तो पॉजिटिव लेंगे, f2 ये कॉन्केव का है तो नेगेटिव लेंगे, तो 1/f = 1/84 - 1/12, तो आपको मिल जाएगा 1/f = 12 - 84/12 × 84, तो आपको मिल जाएगा f = 12 × 84/-72, राइट। इसको सॉल्व करो, दिस इज सिंपल, सो दिस टर्न्स आउट टू बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग -14, क्योंकि ये 1 ये 6 6 1 और ये 24 और 84, तो बराबर है 14, तो फोकल लेंथ आपके पास आ गया -14 सेंटीमीटर। तो पावर आप निकालते हो 100/focal length इन सेंटीमीटर, तो ये डायोप्टर में आता है, तो 100/-14, तो 100/-14 इज दिस इज 50/7, तो -50/7 डायोप्टर, ये आ गया आपका पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल था, अगेन यू जस्ट हैव टू नो फॉर्मूलास और साइन कन्वेंशन यूज करना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन अ स्क्रीन व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट, वी अगेन गेट अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन विच इज 16 सेंटीमीटर टॉल, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ओरल क्वेश्चन है, अगर आपको जो मैंने थियोरी में बताया था वो याद होगा तो, अगर नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ वापस। ये आपके पास हमने 2-3 लेक्चर पहले लिया था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम, इमेज जहां बनेगा वो पोजीशन सेम, सिर्फ हम लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं बाय सम डिस्टेंस, दैट्स ओनली थिंग वी आर डूइंग। तो इस केस में पहले पोजिशन के लिए इमेज का साइज I1 है, दूसरे पोजीशन के लिए इमेज का साइज I2 है, किसका पोजीशन, लेंस का पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट साइज जो था वो आता है √I1 × I2, तो हमने ये थ्योरी में देखा था, तो अगर आपको ये याद होगा तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज I1 4 सेंटीमीटर,
on the screen. When the lens is shifted to a new position without disturbing the object, we again get the real image on the screen, which is 16 centimeter tall. The length of object will be under root of I1 into I2, under root of 4 into 16, मतलब 2 into 4, मतलब 16 into 4 is 64, उसका root 8 आता है, तो 8 centimeter खत्म. तो क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट पता है. अनलेस यू नो दिस कॉन्सेप्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने के लिए. यू मस्ट नो दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन भी ओरली हो सकता है अगर आपको थियरी याद है. तो थियरी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक लेंस है एयर में, फिर हमने उस लेंस को वॉटर में रखा है, लिक्विड में रखा है लेकिन लिक्विड वाटर है, तो फोकल लेंथ 4 times हो जाता है. मैंने आपको बताया था, मैं वापस ले जाऊंगा थ्योरी पे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे. तो आई टेक यू टू रिक्वायर्ड थ्योरी अगेन. वेयर डिड आई डू दिस? समवेयर लेंस इन लिक्विड ओवर हियर. तो आपको याद होगा लिक्विड में फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है, where mu g is refractive index of medium of lens, मतलब glass, और ये mu l is refractive index of liquid. और air में आप ये formula लिखते हो refractive index of glass with respect to air. तो 1/4 focal length in liquid and 1/4 focal length in air. फिर हमने इन दोनों को divide करके ये हमने एक general formula बना लिया था. Ratio of focal length of lens in liquid l to that of focal length in air, mu g minus 1 upon mu g by mu l minus 1. Okay, then as I told you, agar liquid jo hai wo water hai, matlab yahan pe 4/3 daloge aap, okay, aur isko jab simplify karoge to fl liquid kaun sa liquid hai water upon fa सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको मिल गया था 4 times. ये फॉर्मूला हमको मिल गया था, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 times दैट इन एयर. लेकिन ये सिर्फ वाटर के लिए एप्लीकेबल है, यू कैन नॉट यूज इट वेयर एवर यू वांट. तो अब ऐसा क्वेश्चन है क्या, देखो, अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 एज अ फोकल लेंथ ऑफ 8 centimeter व्हेन प्लेस्ड इन एयर. तो फोकल लेंथ इन एयर इज 8 centimeter. What would be the focal length of the lens when immersed in water? 32. Khatam. Orally. Kyun? Because focal length in water equal to 4 times of focal length in air. So 4 into 8, 32. So jab hum theory karte hai na, to in reality we are solving numericals. Provided that you remember such things. Aapko yaad rehna chahiye ki hum formula kaun sa derive kiye the. To abhi 2-3 example aap dekh rahe ho ki sab थियरी में फॉर्मूलाज हुए हैं, बस वैल्यू डालना है, खत्म. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. सिंपल कंडीशंस है, ये कंडीशंस है. एक तो लिक्विड जिसमें लेंस रखा है वो वाटर होना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और लेंस का जो मटेरियल है वो ग्लास होना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. Only under these two conditions you can directly say 4 times of focal length in air. Otherwise, you cannot say directly. So these are required conditions. Okay, under these conditions, you can write focal length in water equal to 4 times of focal length in air. Next question. An object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. Question agar acche se padhoge to orally bhi solve ho sakta hai. Object is placed at a distance u equal to 20 from a convex lens of focal length 10. Matlab main isko likh sakta hu 2 into 10. मतलब मैं लिख सकता हूँ 2f, but do you remember? चलो वो बाद में आते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे. The image is formed on the other side of the lens at a distance.
ये जो क्वेश्चन है यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस ऑलरेडी ऑल्सो, बट एनीवेज मैं बता देता हूं, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ऐसा हमने एक लेंस इक्वेशन देखा था. ओके, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो चीज को फाइंड करना है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखो. ओके, फिर आप साइन कन्वेंशन यूज करो. यूजिंग साइन कन्वेंशन, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स. फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेंगे नेगेटिव. तो आपको मिलेगा 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस फिर वापस माइनस यू. तो 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस ये 2f. सॉल्व करो, यू टू सॉल्व दिस, या फिर डायरेक्ट वैल्यू डालो तो भी चलेगा. इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली पुट वैल्यूज हियर, दिस इज 10, दिस इज 20, वैसा भी चलेगा. तो 20 माइनस 10 अपॉन 200, तो v इज इक्वल टू 200 बाय 10 विद अ नेगेटिव साइन, तो v इज इक्वल टू माइनस 20, राइट, सॉरी प्लस 20. नीचे यहाँ पे ये 20 माइनस 10 इज प्लस 10, तो प्लस आएगा 20 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग एट ऑल, नथिंग. तो इजी क्वेश्चन है, राइट. अब इसको ओरली कैसे करेंगे, ओरली ये तब हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया था आंसर इसका. कैसे, इफ यू रिमेम्बर, ऑफकोर्स मैं लेंस पहले कॉपी कर लेता हूँ, आई नीड टू हैव लेंस, तो मुझे ये लेंस चाहिए पहले, तो लेट मी कॉपी दिस. ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो कुछ चीजें जो दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था. और आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये तो पता ही है आपको. मतलब ऑब्जेक्ट इन रियलिटी u इक्वल टू r डिस्टेंस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हियर. आपको याद होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट u इक्वल टू r एट द सेंटर, द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट द सेंटर, रियल इनवर्टेड एंड सेम साइज. रियल इन केस ऑफ लेंस इज ऑन द अदर साइड, तो लेंस के केस में रियल इमेज जो है वो अपोजिट साइड पे बनता है, ये पता होना चाहिए. मिरर नहीं है ये लेंस, मिरर नहीं है ये लेंस है. इन केस ऑफ लेंस रियल मतलब अपोजिट साइड पे बनता है और सेम डिस्टेंस पे बनता है, मतलब वी और यू ये दोनों सेम है, सिर्फ इतना है कि यू वॉज नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है और वी विल बी पॉजिटिव. तो अगर ये बेसिक आपका क्लियर होता तो फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ऑब्जेक्ट प्लेस योर डिस्टेंस 20, अच्छा यू इक्वल टू 20, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, मतलब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं. मतलब मैं लिख सकता हूं कि यू इज इक्वल टू 2f, 2f मतलब रेडियस हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट तो रेडियस पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी वहीं बनेगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, खत्म, क्वेश्चन डन, ओरली खत्म. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. ओके, मैंने फिर भी अल्टरनेट मेथड बताया है, बट अल्टीमेटली आवर एम इज टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ओरली वेयर एवर पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of f by 2 from a convex lens, the image will be, अब वापिस से आप थोड़ा सा ये वाला concept थोड़ा सा apply कर सकते हो, not completely, because completely तो ये होगा ही नहीं यहाँ पे. So what you should know is, पहले मैं कुछ points को mark कर देता हूँ, जैसे मान लो ये
फोकल पॉइंट है। ओके, और ये सेंटर है और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, हाफ द फोकल पॉइंट, है ना। मतलब कहां रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। जो एक टेबल मैंने बना के दिया है आपको, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म दिस रियल इनवर्टेड पॉइंट डिमिनिश्ड एंड इमेज इज फॉर्म एट फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर जब था तो इमेज फोकस और सेंटर के बीच में था। ओके, रियल इनवर्टेड डिमिनिश्ड। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस फोकल पॉइंट यहां पे बना था। ओके, राइट, करेक्ट। मिरर का केस और लेंस का केस सेम है, सिर्फ रियल इमेज का डेफिनेशन अलग होता है। मिरर के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे इमेज बना तो रियल इमेज, लेंस के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पे इमेज बना तो रियल इमेज। टेबल आपको याद कर देता हूं मैं, क्योंकि अगर वो टेबल आपके दिमाग में फिट है तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होते हैं। जैसे हमने एक केस देखा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज एट फोकस रियल इन्वर्टेड पॉइंट इमेज, फिर हम ऑब्जेक्ट को पास में लाए बियॉन्ड सेंटर, इस केस में इमेज बनता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर एंड डिमिनिश्ड, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, बिटवीन ये फोकस पॉइंट ये सेंटर पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ कोर्स, क्योंकि रियल इमेज बनेगा तो बिटवीन एफ एंड सी यहां बनने वाला है आपका इमेज, एंड द इमेज इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड, छोटा साइज में छोटा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप इसको यहां पे लाए सेंटर, तो ये भी सेंटर, ये तो पिछला एग्जाम्पल ही था हमारा, सेम साइज रियल इनवर्टेड सेम साइज। देन एज यू ब्रिंग दिस हियर बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो इस केस में बियॉन्ड सी बनता है इमेज रियल इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो जैसे आप इसको फोकस पे लाते हो तो इमेज बनता है रियल इनवर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इंफिनिटी, ऐसा बनता है इमेज। फिर जैसे ही आप फोकस से और आगे ले गए, दैट इज द कंडीशन फॉर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्मड, वर्चुअल इमेज इज ऑन द सेम साइड, ओके राइट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव मिरर, एक ही पोजीशन है ऑब्जेक्ट का बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर मिरर और बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस फॉर लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, ऐसा बोल रहा हूं। मैंने दो टेबल में बना के बताया है आपको, है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ बाई टू, मतलब फोकल लेंथ से कम है, यस वर्चुअल बनेगा, यस द इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ओके, वर्चुअल मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। अब आप जब ऑप्शंस देखना चालू करते हो, रियल इनवर्टेड तो बन नहीं सकता, बनेगा ही नहीं, ओके राइट, वर्चुअल है, यस, ऑप्शन नंबर ए और सी में से ए आएगा, डी भी हो नहीं सकता है। तो अगर आपको इतना नॉलेज है कम से कम, तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ए आएगा। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेटली। कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, हमको इमेज का पूछा है, तो वन बाय एफ इक्वल वन बाय वी इक्वल टू वन बाय एफ प्लस वन बाय यू। अब यूज करोगे साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। मैंने क्या बताया था, जो
पैरामीटर फाइंड करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया जाता, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वी, वी के लिए कोई भी कन्वेंशन यूज नहीं होगा। एफ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, एफ इज पॉजिटिव, यू हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो नेगेटिव, तो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ प्लस ये माइनस वन बाई एफ, और यू क्या है एफ बाई टू। गुड, तो सॉल्व करो इसको, वन बाई एफ माइनस टू बाई एफ, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यू विल हैव दिस एज वन बाई वी इक्वल टू माइनस वन बाई एफ, तो वी इज इक्वल टू माइनस एफ। ओके राइट, तो इमेज कहां बना, एट वन ऑफ द फोकाई, क्योंकि लेंस के दो फोकस होते हैं ना, क्योंकि वी इक्वल टू माइनस एफ मतलब इमेज आपका बना है एट वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ द फोकस पे बन गया इमेज। ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट कहां था एफ बाई टू पे, इमेज कहां बना है एफ पे बना है। ओके, ये आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हो, याद होगा आपको m इक्वल टू इफ यू रिमेंबर v बाई यू, v क्या आया माइनस f, u क्या है f बाई टू, तो क्या आया आपका मैग्निफिकेशन माइनस टू, माइनस टू मतलब आई मीन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट साइंस एनी मोर नाउ, क्योंकि एक बार पता लग गया ना एट वन ऑफ द फोकस, यस वर्चुअल है यस, और डबल है, तो m इक्वल टू टू मतलब डबल साइज है, डबल इन साइज, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। तो दो फॉर्मूलाज आपने यूज किए, सिंपल सिंपल, एक मैग्निफिकेशन का, एक जो लेंस का इक्वेशन था वो, मैं लेंस मेकर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेंस मेकर फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, ये द फॉर्मूला विच रिलेट्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एफ बाई टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, वर्चुअल इमेज, पहला तो ये पता होना चाहिए वर्चुअल इमेज, मतलब ऑप्शन बी गया काम से, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ए और सी में से एक आएगा। अब आपको चेक करना है कि कौन सा फिर, तो आपने वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू कर लिया, वी इक्वल टू माइनस एफ आ गया, क्वेश्चन खत्म, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट वन ऑफ द फोकाई, बस एट टू एफ तो नहीं है ना, क्योंकि वी इक्वल टू एफ आया है, वी इक्वल टू माइनस टू एफ तो नहीं आया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जोक है, कैसे जोक है, अ डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज बोथ रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इंसिडेंट लाइट रेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस विल कॉन्वर्ज एट अ डिस्टेंस एल सच दैट। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करके देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ कैन यू डू इट ओरली। तो ऑप्शन ए आएगा, दैट इज देयर। तो मैं पहले तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ लेंस का, देन आई विल शो अ लेंस ओवर हियर, यू हैव लेंस ओवर हियर राइट, दोनों का रेडियस सेम है, मतलब आर वन मॉड और आर टू मॉड ये 20 सेंटीमीटर है। ओके राइट, तो वन अपॉन फोकल लेंथ एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, पहले सरफेस का सेंटर राइट हैंड साइड पे, तो साइन कन्वेंशंस में आप लिखोगे, साइन कन्वेंशंस में आप लिखोगे आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव। ओके, तो वन बाय एफ इक्वल टू म्यू, म्यू 1.5 माइनस वन था, वन बाय आर वन पॉजिटिव 20 माइनस ऑफ माइनस 20, क्योंकि वो साइन कन्वेंशन के बाद में माइनस करूंगा इसलिए, तो वन बाय एफ इक्वल टू 1.5 माइनस वन इज 0.5, और ये 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 2 बाय 20, तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मिल गया आपको,
फिर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। आप बोलोगे वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, बट इंसिडेंट लाइट रेस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेंस। ये कब होता है? इंसिडेंट लाइट रेस पैरेलल कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। तो यू इक्वल टू इंफिनिटी, तो आपको मिल जाएगा वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय इंफिनिटी, तो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी, तो वी इक्वल टू एफ, और एफ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज 20 सेंटीमीटर। ओरली बताता हूँ आप ओरली कैसे करते हैं। तो ओरली कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को, इट्स क्वाइट सिंपल, डायरेक्टली 20। हाउ टू डू इट ओरली? कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अ डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास हैज बोथ रेडाई ऑफ कर्वेचर, बोथ दोनों के दोनों कर्व सरफेस का कर्वेचर का रेडियस सेम है, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपको याद होगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ इक्वल टू डायरेक्टली आर आता है, ये थ्योरी में मैंने करवाया है, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आता है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सरफेस का जो कर्वेचर है उसका रेडियस सेम है। इंसिडेंट रेज पैरेलल है मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंफिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज डिस्टेंस जिसको इन्होंने एल बोला है, वो रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो हमेशा फोकस पे कन्वर्ज होते हैं, तो इमेज हमेशा फोकस पे बनता है। तो v इक्वल टू एल इक्वल टू एफ और एफ इक्वल टू आर है, आर इक्वल टू 20 है। खत्म क्वेश्चन ओरली। इमेजिनेशन, पैरेलल रेज टू द एक्सिस मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो इमेज फोकस पे बनेगा, बात खत्म। फोकस इक्वल टू आर, क्यू आर क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, डन। क्यों इतना सॉल्व करें हम लोग, दैट इज व्हाई रे ऑप्टिक्स, आई टेल यू रे ऑप्टिक्स जितना इजी और रे ऑप्टिक्स जितना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, या इजी भी है या डिफिकल्ट भी है, डिपेंडिंग ऑन आप इसको समझते कैसे हो। डू यू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस इजी, नो गुड। 3 साल रे ऑप्टिक्स करोगे नहीं होगा, हम टेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर placed in contact with a plane mirror, so you have a convex lens. Let me just take this particular lens. Concave lens है हमारे पास, ठीक है, concave lens बोला है, so a concave lens, इसको concave बना लेते हैं, so a concave lens of focal length 20 centimeter is placed in contact with, आपके पास एक प्लेन मिरर है उसके साथ आपने रख दिया, तो यहाँ पे ये प्लेन मिरर आपने रख दिया, ऐसा है, ओके। नाउ इट विल एक्ट एज, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब आप एक लेंस का एक साइड पॉलिश कर देते हो तो मतलब आप उस साइड को मिरर बनाते हो, मतलब एक लेंस और एक मिरर कांटेक्ट में है। जब एक लेंस और एक मिरर कांटेक्ट में होता है तो 1/f वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अगर याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं, क्योंकि ये भी थ्योरी में हमने लिया है, पॉलिशिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया था। तो जब लेंस का एक साइड आपने रफ कर दिया, पॉलिश कर दिया, सिल्वर कर दिया, मतलब इट विल एक्ट एज वन लेंस एंड वन मिरर इन कॉन्टैक्ट। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो नाउ कौन सा लेंस है हमारे पास? फोकल लेंथ 20 है, लेंस कौन सा है? कॉनकेव। डू यू रिमेम्बर कि कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं नेगेटिव, ओके, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लिया जाता है नेगेटिव, तो नेगेटिव।
एफ। प्लेन मिरर, अगर मिरर प्लेन है, ओके, प्लेन मिरर के केस में हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, ओके, तो इंफिनिटी होता है, तो वन अपॉन इंफिनिटी आएगा, तो आपको मिल जाएगा एफ इक्वल टू माइनस एफ बाय टू, माइनस एफ बाय टू, माइनस 20/2, मतलब 10 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, कैसे? अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो जगह पे 10 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद प्लेन मिरर एक्ट्स एज, तो हमने पहले फोकल लेंथ निकाल लिया कॉम्बिनेशन का, वो हमको मिल गया -10। अगर मैं कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ के लिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव यूज करता हूं तो, ओके, तो दिस विल गिव यू आंसर एज 10 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन कौन से केस में फोकल लेंथ नेगेटिव मिलता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर आपको याद होगा कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ आपको मिलता है नेगेटिव, और कॉनवेक्स मिरर के केस में आपको फोकल लेंथ मिलता है पॉजिटिव, राइट? तो नाउ ऑप्शन नंबर ए सेज दैट दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हियर यू हैव टू डिसाइड नाउ, बी और सी तो नहीं होगा, अभी कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दिस इज अ बिग चैलेंज, तो यू हैव टू अप्लाई सम लॉजिक नाउ, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाओगे तो ऑप्शन डी आएगा, बट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो, दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट, ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाई, बिकॉज इफ आई टेल यू एवरीथिंग तो फिर क्या सोचोगे, ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट कि रेज कैसे जाएंगी, हाउ विल रेज गो, रे ऐसा आएगा, आई यूज सम डिफरेंट कलर फॉर रे ऐसा आएगा, रिफ्रैक्ट होगा, ओके, रिफ्रैक्ट होगा, रे रिफ्रैक्ट होके अंदर का जो कर्व सरफेस, सरफेस नंबर टू, नाउ जब सरफेस नंबर टू पे ये रे आया और जो रेड है ये प्लेन मिरर है, दिस रेड वन रेड लाइन इज अ प्लेन मिरर, तो सरफेस नंबर टू will act as a mirror and not lens anymore. It will act as a mirror. Okay, क्योंकि ये जो ray है आपके पास, ये ray अंदर आएगा और reflect होके वापस जाएगा. तो even though reflection इस plane mirror से हुआ, पर ऐसा आप बोल सकते हो कि ये जो कर्व सरफेस है ये एज अ मिरर एक्ट हो रहा है, और कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस का शेप क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ऑप्शन क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। तो अब इतना हम याद रख सकते हैं क्या, नहीं, तो याद रखना सिंपल चीज, वो सिंपल चीज ये है कि ऐसे केसेस में, सिल्वरिंग के केसेस में आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हो फॉर फोकल लेंथ वैल्यूज, you do not use sign convention, you don't have to use sign convention, kahan use karna hai wo specific case bataunga main, for the time being easy karne ke liye you just have to do what, acha aapke paas ek surface ko, ek aapke paas lens tha by concave, uske baad ek plane mirror rakh diya, theek hai, फॉर्मूला पता है, यस
फोकल लेंथ ऑफ जो भी लेंस है बोला है, यस। मिरर का, प्लेन मिरर का तो फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, तो 2/20 प्लस 0 मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/10 मतलब f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो प्लस आ गया यहाँ पे, इट एक्ट्स एज कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, ऐसा दिखने वाला है हमको। सेकेंड कर्व सरफेस और सेकेंड कर्व सरफेस आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट? तो क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में था तो सेकेंड सरफेस लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस व्हिच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, इज इमर्स्ड in a liquid of refractive index 1.6, then focal length will be, तो यहाँ पे आप focal length in liquid equal to 4 times of focal length in air नहीं use कर सकते, मैंने conditions बताए थे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको वो जो general formula हमने derive किया था, तो वो general formula आपको use करना पड़ेगा, the general formula that we have derived, focal length in liquid, this one you have to use. So ye formula we have already derived, so you have to use this formula now. Focal length in a liquid, okay, upon focal length in air is mu g minus 1, where mu g is refractive index of material of lens, और वो आपको दिया है 1.4 minus 1, और ये 1.4 refractive index किसका, liquid का, okay, कितना है 1.6 minus 1, तो ये आपके पास आ गया FL equal to 0.4, okay, ये आपके पास आ गया 1.4 माइनस 1.6 अपॉन 1.6 इनटू एफए, ओके, राइट? तो दिस इज 0.4 अपॉन नेगेटिव 0.2, ये 1.6 ऊपर आ जाएगा, और एफए फोकल लेंथ इन एयर इज 4, तो ये 1 2 है ना, तो माइनस 2 इनटू 1.6 इनटू 4, 16 4 64, 6.4 इनटू 2 12.8, तो माइनस 12.8 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, राइट? तो हर बार 4 इंटू एफ मत कर देना, वो स्पेसिफिक केस था जब लेंस का मटेरियल ग्लास है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ पे 1.4 है, तो ये ग्लास नहीं है। दूसरा, वो जिस लिक्विड में आपने लेंस को इमर्स किया था वो वाटर था, यहाँ पे वो वाटर नहीं है, 1.6 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, वाटर का 1.5 4/3 1.63 आता है, तो ये जो चीजें याद रखना है आपको, राइट? तो जनरल फॉर्मूला यूज करो, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व, खत्म। तो नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन आने का मतलब पता है क्या होता है, अगर हो सकता था पूछ लेते थे, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट विल एक्ट एज, तो माइनस आने का मतलब ये होता है कि इनसाइड दैट लिक्विड दिस लेंस विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, इसलिए इट विल एक्ट एज कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10, इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज 7.5, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस विल बी, तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस, जस्ट अ मिनट, दिस इज सेकंड सरफेस, इसका जो रेडियस है वो सेम नहीं है, ओके, तो एक का रेडियस
और दूसरे सरफेस का रेडियस, दे आर नॉट सेम, राइट। सो पहले सरफेस का रेडियस आर वन ये पॉजिटिव आएगा सबसे पहले, और इसकी वैल्यू आपको दी है कितना बोला है 7.5। दूसरा सरफेस आर टू ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसका, उसके लिए हम कन्वेंशन यूज नहीं करते। ओके, ओवरऑल फोकल लेंथ आपको दिया है, ओवरऑल फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये हम लेंगे पॉजिटिव। ये हम पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल कितना दिया है 1.5, तो आप यूज करोगे 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2, ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लिया जाएगा तो +10, 1.5 - 1, और आर वन पॉजिटिव ही लिया जाएगा तो 1/+7.5 - 1/r2, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये आप करोगे तो 1/10 = 0.5, 0.5 यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 1/7.5 - 1/r2, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो यू जस्ट हैव टू डू रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस कैलकुलेट ही करना है आपको, नथिंग मोर। सो लेट मी मेक सम स्पेस। तो ये आप लिख सकते हो 1/5, क्योंकि ये जो 0.5 है यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 1/5 आ गया। 1/7.5 - 1/r2, तो 1/r2 is 1/7.5 - 1/5, तो 1/r2 is 5 - 7.5 upon 7.5 × 5, मतलब r2 is equal to 7.5 × 5 upon -2.5, 1s are 2s are, तो -15 आएगा आंसर आपके पास। तो 15 सेंटीमीटर, -15 सिर्फ आपको ये बताता है, नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स यू दैट R2 का जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड पे है। तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट R2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। सो नेगेटिव साइन इज जस्ट टेलिंग यू व्हाट इट इज टेलिंग यू, दैट सेकेंड सरफेस का सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26th, देखो ऐसा है कि थ्योरी में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, और मैं जानबूझ के वापस बता रहा हूँ क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं। चेंजेस किए हैं मतलब समझेगा। तो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्रे इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ग्लास रॉड हैविंग स्पेरिकल एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट। आपको याद होगा हमने इस फॉर्मूला में ऐसा लिखा था, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब ये μ2 ग्लास अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, मतलब एयर, एयर का μ1 आता है वैसे, अपॉन यू इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला था, इस केस में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के मैंने बताया μ2/v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज कहां बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बना उस मीडियम का अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जानबूझ के मैंने बताया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये तो इजी है, क्या फाइंड करना है, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, आपको फॉर्म इमेज कहाँ बना है तो वी फाइंड करना है इन शॉर्ट। ओके, तो μ2 ग्लास है ना, ग्लास बोला है, डू यू नो फॉर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, यस बी, माइनस μ1, ऑब्जेक्ट कहाँ है एयर में, एयर में क्या होता है μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यू माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ। ओके, देन
obviously it is quite simple thing, इमेज में ही आंसर है, ओके, मोर और लेस इमेज में ही आंसर है, मैं बताता हूँ कैसे, बट यू हैव टू कीप सम पेशेंस। तो ये आपके पास यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है क्या 15 सेंटीमीटर बट विद अ नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट साइड में था, म्यू टू 1.5 माइनस 1, रेडियस 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, तो प्लस 30, तो साइन कन्वेंशन में मैंने यहां माइनस और यहां प्लस ऐसा लिख दिया, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। Obviously, v के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि v फाइंड करना है, ओके? तो यूजिंग साइन कन्वेंशन तो यह आ जाएगा आपका 1.5 by v plus 1 by 15, 0.5 by 30, ओके? इसको सॉल्व करो, 1.5 by v equal to 0.5 by 30 is 1 by 16 minus 1 by 15, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व जब करोगे आप तो आपको मिलेगा वैल्यू एस, तो ये आपके पास आ गया 1.5 by v equal to 15 minus 60 मतलब 45 विद नेगेटिव साइन, माइनस 45 अपॉन 60 इंटू 15, 3 जा 4 जा, ओके, 1 जा 0.5 जा, तो सॉल्व करो 16 इंटू 0.5 30 विथ नेगेटिव साइन, तो ये मिल गया v इक्वल टू माइनस 30, माइनस 30 माइनस मतलब ऑन द लेफ्ट, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पॉइंट नंबर वन, फॉर्मूला, डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस? यस तो सॉल्व होगा, नो तो नहीं होगा, क्योंकि पता होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू क्या है, म्यू वन क्या है, कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद साइन कन्वेंशन किसका यूज करना है, यू के लिए और आर के लिए, यू का नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट दिखाया है फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेंटर राइट में है तो आर पॉजिटिव है, वी के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फाइंड करना है, तो then put values and solve, done। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 centimeter, refractive index 1.5, the distance of virtual image formed from the surface of sphere is, दो चीजें, आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर पे है ऑफ रेडियस, ये आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, ओके, इसके सेंटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस radius of this particular sphere is 6 centimeter. Now, to avoid any confusion, मैं object को हमेशा left में रखूंगा, तो मैं radius यहां दिखा रहा हूं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि object we will be keeping at the left. Okay? Refractive index of this glass स्पीयर इज 1.5, वर्चुअल इमेज पहले ही बता दिया, वर्चुअल इमेज पहले ही बता दिया, मतलब सेम साइड पे इमेज बनेगा, एनीवेज, ओके, नाउ ये स्पीयर से कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ओके, तो इफ आई डिसाइड
टू टेक आउट म्यू वन कॉमन फ्रॉम हियर, ले सकता हूं कॉमन, म्यू वन मैंने कॉमन निकाल लिया, पहले टर्म में म्यू वन था ही नहीं, कॉमन निकाल लिया, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले टर्म में म्यू वन नहीं था, मैंने जबरदस्ती कॉमन निकाला है, यहां पे भी म्यू वन कॉमन निकाला, तो पहले टर्म में म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन बाय आर ऐसा आएगा। राइट नाउ ये म्यू वन और ये म्यू वन कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बाय डेफिनेशन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन माइनस वन बाय आर, ये बाय डेफिनेशन है। अब हमारे केस में, ये केस में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट जहां कहीं रखा होगा उसको मीडियम वन बोलना, क्योंकि रेज तो ऑब्जेक्ट से आएंगे ना, तो रेज जहां से भी आएंगे उसको मीडियम वन बोलना, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है ना। तो मीडियम वन क्या है, ग्लास है, मीडियम टू क्या है, एयर है। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे मीडियम वन एयर था क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में था। तो रे ऑप्टिक्स में स्पेसिफिकली ऐसे केसेस में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां ऑब्जेक्ट रखा है, नीचे रखा है तो नीचे को मीडियम वन बोलो, ऊपर रखा है तो ऊपर को मीडियम वन बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसको मीडियम वन बोलो, ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसको मीडियम वन बोलो, पेट्रोल के अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसको मीडियम वन बोलो। मीडियम वन इज ऑलवेज वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, क्यों, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती होगी। अब ये जो नोटेशन है म्यू टू वन, म्यू टू, टू कौन सा है, एयर है, और वन क्या है, ग्लास है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमको माइनस वन बाय वी, सॉरी बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू, वापिस से यू हैव टू यूज द सेम नोटेशंस। Once you have used this notation, ultimately हमें तो virtual image का distance मतलब v find करना था हमको, तो अब let us put back, ये आपको याद है ना mu टू वन, what is this mu टू by mu वन है ना, तो mu a g will be mu a by mu g, तो ये मैं लिखूंगा mu a by mu g by v minus 1 by u equal to mu a by mu g minus 1 by r, mu a 1 by 1.5 by v minus, अभी साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर लेते हैं, minus 6, minus 6 क्यों लिखा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 है और हम उसको लेफ्ट साइड में रख के बैठे हैं इसलिए माइनस सिक्स। ओके गुड, ये आ गया वापस आपका वन अपॉन 1.5 माइनस वन अपॉन रेडियस ऑफ स्पीयर, कितना बोला है रेडियस ऑफ स्पीयर 6, रेडियस ऑफ स्पीयर भी 6, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 6, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी वेयर यू हैव टू यूज व्हाट। तो यहां पे आप डालोगे 6 वैल्यू, राइट करेक्ट। नाउ सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ अब सॉल्व करना है, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू फॉर यू बिकॉज़ वो आप खुद कर सकते हो, प्लस माइनस कर लोगे आप, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है क्या, यस yes. फिर आपने इसमें से म्यू वन इंटेंशनली कॉमन निकाला है, अगर नहीं भी निकालोगे तो भी चलता है, इफ यू डू नॉट डू दिस दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके, ओनली थिंग इज फिर आपको ये समझना जरूरी है मीडियम टू कौन सा और मीडियम वन कौन सा। तो इफ यू डोंट वॉन्ट, तो मैं ऐसा करता हूँ, मान लो मैं इस पेज को डुप्लीकेट करके बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, वी वर हियर, डुप्लीकेट कर लिया इसको, गुड। तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू ऑल दिस मेस, आपको अगर ये सारा नहीं करना तो भी चलता है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि मीडियम टू म्यू टू किसका, जहां पे
इमेज बना है, तो ये म्यू एयर बाय वी माइनस म्यू वन, जहां मीडियम मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, म्यू जी ग्लास बाय यू विथ नेगेटिव म्यू टू, म्यू एयर माइनस म्यू वन मतलब म्यू जी बाय रेडियस सिक्स, ऐसा करोगे तो भी चलता है। ओनली थिंग इज ऑब्जेक्ट जहां रखा है मीडियम वन उसको मानना है, बस खत्म, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो फाइन करो फिर इसके बाद यू हैव टू फाइन एंड देन यू विल गेट v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज सेकंड मेथड, दिस इज मच मोर इजी, क्योंकि पहले मैं वो कॉमन निकालू, फिर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी बाय म्यू ए या म्यू ए बाय म्यू जी लिखू, दैट इज समथिंग व्हिच टेक्स टाइम। तो डायरेक्टली ऐसा कर लो, provided formula समझा है क्या? तो next question, ये भी अच्छा question है, where I have to take this, I will need this 28 lens, हमारे पास एक lens है, फोकल लेंथ एफ है, अपर्चर ऑफ डायामीटर। देखो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस के अंडर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या कि लेंस स्फेरिकल है, तो ये पहला अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, स्फेरिकल लेंस है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब बेसिकली ऑफ अपर्चर ऑफ डायामीटर, इसका जो अपर्चर है दैट इज दिस इज डी, ओके दिस इज इक्वल टू डी, तो ये डायामीटर जो है ये डी है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई, मतलब जब इसमें से रेज ऑफ लाइट पास होंगे तो जो इमेज बनेगा उस इमेज का इंटेंसिटी आई होगा, अपर्चर ऑफ डायामीटर डी बाय टू इन द सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर। अभी क्या किया, अभी ऐसा किया, ये जो आपके पास लेंस है इसका जो एपर्चर है, एपर्चर मतलब डायमीटर को एपर्चर बोलते हो, डी एपर्चर था, इसमें से डी बाय टू मतलब इसका आधा डिस्टेंस सेंट्रल रीजन में, लेंस के सेंटर में कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। तो ब्लैक पेपर लिया और d by 2 जितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर दिया, तो इतना जो पार्ट है वो कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। तो ऑब्वियसली अब जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा था वो ऑब्जेक्ट से लाइट कम लाइट पास होगा, लेस लाइट विल पास थ्रू द लेंस, विच मीन्स जो इमेज बनेगा वो पहले जितना इंटेंस, पहले जितना ब्राइट नहीं होगा, दिस इज व्हाट इट मींस। तो ये पूछा है कि इस केस में न्यू फोकल लेंथ क्या होगा, दूसरा ये पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ, एपर्चर ऑफ डायमीटर डी, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई, एपर्चर ऑफ डायमीटर d by 2 in the central region of the lens is covered by a black paper, focal length of lens and intensity of image now will be equal to, first of all taking you back to theory, cutting of lens, lens ko kaatne ka kaam humne kaun se lecture mein kiya tha, let me see, yahan pe सेंट्रल रीजन को ब्लॉक करना ब्लैक पेपर से या लेंस को काटना इज द सेम थिंग। अगर आप अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं होता है, अगर आपने परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटा होता तो फोकल लेंथ में चेंज होता, राइट? तो न्यू फोकल लेंथ 2f बन जाता ईच पार्ट के लिए, जैसे ऊपर बताया मैंने इसको परपेंडिकुलरली काटा तो फिर ईच पार्ट विल एक्ट एज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2f, बट इफ आई एम कटिंग अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ एंड पावर डज नॉट चेंज, सो काटो या फिर इसको कवर कर दो,
पार्ट को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है. तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, जस्ट अ मिनट, आई हैव जस्ट अ मिनट. राइट, सो दिस वॉज द केस, ये डी था, हमने ये डी बाय टू पार्ट को कवर कर दिया था. वॉट है वी जस्ट सॉ, हमने क्या देखा, फोकल लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑप्शन बी और डी नहीं आ सकते क्योंकि फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता. अब समथिंग दैट आई डिड नॉट टेल यू इन थियरी बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज जब ये आएगा तब बताना था, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर. ओके, इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, या फिर आप बोल सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि आपको पता है रेडियस स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस या फिर डायमीटर स्क्वायर, सब बोल सकते हो. इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंस, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा लेंस का उतना ज्यादा लाइट ऑब्जेक्ट से लेंस के थ्रू पास होके इमेज बनाएगा. ओके, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो I2 मतलब इंटेंसिटी इन सेकेंड केस, जब आपने ये ब्लॉक कर दिया तब, मतलब ये सेकेंड केस है, दिस इज सेकेंड केस, और पहला केस क्या था, तो पहला केस आपका ये था, आपका पहला केस जब ब्लॉक नहीं किया था. ओके, तो इंटेंसिटी I2 by I1, ये केस वन, ये केस टू is equal to A2 by A1. अब पहले केस में एरिया क्या आएगा, pi r square, pi r, r is diameter by 2 square. ओके, मतलब pi d square by 4. सेकेंड केस में एरिया क्या आएगा, A2 will be pi r by 2 का square, क्योंकि आधा मैंने ब्लॉक कर दिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप. ओके, तो दिस इज इक्वल टू पाई आर, आर इज डी बाई टू, बाई टू का स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर, नीचे फोर है तो फोर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 16. ये इंपॉर्टेंट है समझना, इनिशियल एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज डी बाई टू, फाइनल एरिया आपने डी बाय टू पोर्शन को ब्लॉक किया है तो पाई आर बाय टू स्क्वायर, तो पाई आर इज डी बाय टू बाय टू डी बाय फोर स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर बाय 16 इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. ओके, तो इनिशियल एरिया, क्वेश्चन समझ लेना, इनिशियल एरिया एक्सपोज्ड कितना था, पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, सो मैं यहां लिख रहा हूं इनिशियल एरिया एक्सपोज्ड इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, आफ्टर ब्लॉकिंग हाउ मच इज द एरिया एक्सपोज्ड टू लाइट, आफ्टर ब्लॉकिंग कितना एरिया एक्सपोज है, टोटल एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 में से इतना एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 16 माइनस करोगे, तो आई वुड रादर से, आई विल चेंज नोटेशंस टू, आई विल से दैट दिस इज ए डैश, दिस इज एरिया ब्लॉक्ड, this is area of the lens which is blocked due to covering. So after blocking, how much area is exposed? So after blocking, area exposed is total area A1 minus A dash. That is equal to pi d square by 4 minus pi d square by 16.
मतलब पाई डी स्क्वायर बाय 4 कॉमन 1 माइनस 1 बाय 4 सो दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 इनटू 3 बाय 4 दैट इज पाई डी स्क्वायर 3 बाय 16 ये आपका A2 है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले पूरा लेंस ओपन था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया कितना एरिया एक्सपोज्ड है पाई डी स्क्वायर बाय 4 फिर हमने एक पोर्शन को कवर कर दिया कितना पोर्शन कवर हुआ है तो वो है आपका पाई डी स्क्वायर बाय 16 कवर हो गया तो एक्सपोज कितना है टोटल एरिया में से वो जितना पोर्शन कवर हुआ माइनस कर लो मतलब कितना एरिया अवेलेबल है लाइट को पास होने के लिए पाई डी स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाय 16 दिस इज ए टू सो ए टू इज एक्चुअली A1 माइनस ए डैश ये पता होना चाहिए ये अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं तो आंसर गलत मिलेगा मिल गया आपको ये तो इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 टाइम्स ऑफ I1 A2 इज 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16 अपॉन A1 इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ I1 पाई पाई गया डी स्क्वायर गया इसको सॉल्व करो 1 जा 4 जा तो 3 बाय 4 तो I2 इज इक्वल टू 3 बाय 4 टाइम्स ऑफ I1 75% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इमेजिन सेकंड केस 3I बाय 4 एंड F ऑप्शन नंबर C ओके तो दिस इज हाउ यू वेयर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करना था राइट तो वन लास्ट क्वेश्चन विच वी कैन नॉट मिस क्योंकि करना पड़ेगा दैट इज इंपॉर्टेंट इज दिस सिंपल क्वेश्चन है लेंस नहीं ये नहीं ये भी नहीं कौन सा क्वेश्चन भी लेना है जस्ट लेट मी सी एक क्वेश्चन है विच आई डोंट वॉन्ट टू स्किप एंड इट इज नॉट पेस्टेड हियर ठीक है तो गिव मी अ मिनट आई जस्ट पेस्टेड ओवर हियर So this question is the one which is important. A bubble in glass slab with refractive index 1.5 when wave from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from the other side the thickness of slab is. हमारे पास एक glass का slab है. So we have a glass slab. इसमें एक बबल है एंड आई डोंट नो वेयर द बबल इज बट आई नो बबल है कहीं तो क्यों अभी बात ऐसी है कि ये बबल ओके ये डेंसर मीडियम में है ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो द बबल विल अपियर क्लोजर देन इट्स रियल डिस्टेंस हम उसको बोलते हैं apparent डिस्टेंस है ना apparent depth. तो मैंने अगर ऊपर से देखा वन साइड से देखा तो मुझे अपेरेंट डेप्थ दिख रहा है 5 सेंटीमीटर इसी बबल को मैंने नीचे से देखा तो मुझे दिख रहा है 2 सेंटीमीटर राइट तो द थिंग इज लेट अस से अपेरेंट डेप्थ 1 x1 ये 5 सेंटीमीटर है x2 ये 2 सेंटीमीटर है ना सो व्हेन वेव फ्रॉम वन साइड अपीयर्स एट 5 एंड 2 फ्रॉम द अदर साइड आपको पूछा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्लैब सो यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस टोटल थिकनेस राइट ओके तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी गड़बड़ होती है जो नॉर्मली गड़बड़ कर ही देते हैं है ना बोलते हैं x1 प्लस x2 खत्म अरे वो अपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ नहीं है ऐसा बोला होता कि एक साइड से बबल 5 सेंटीमीटर पे है दूसरे साइड से बबल 2 सेंटीमीटर पे है तो 5 प्लस 2 7 ये अपेरेंट है इट अपीयर्स तो ये इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ ओके मैं नोटेशन ही चेंज कर देता हूं क्योंकि दैट इज वेयर कंफ्यूजन कम्स इनटू पिक्चर मैं इसको बोलता हूँ
एपरेंट डेप्थ वन और एपरेंट डेप्थ टू, तो ये कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, हमको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एपरेंट डेप्थ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल डेप्थ एनीमोर, तो ये एपरेंट डेप्थ। तो आपको पता है कि रियल डेप्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा, रियल डेप्थ आर डी इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ ए डी बाय म्यू। तो रियल डेप्थ जब आप ऊपर से देखोगे दैट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ वन, दैट इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ वन अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एपरेंट डेप्थ वन? 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 1.5। तो यह आ जाएगा आपका 5/3/2, मतलब 10/3। 10/3 सेंटीमीटर है रियल डेप्थ फ्रॉम वन साइड, मतलब इन रियलिटी मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो समवेयर यहाँ पे था, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है इसका, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, this is real depth one, this is real depth one, RD one। दूसरे केस में real depth two is apparent depth two upon mu। What is apparent depth two? 2 upon mu is 1.53/2, मतलब 4/3। तो दूसरे साइड से जो रियल डेप्थ टू है, मैं स्केल के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा आई एम जस्ट शोइंग डिस्टेंस, आई एम नॉट स्केलिंग इट, मैं नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये कम डिस्टेंस है ज्यादा डिस्टेंस है, फिर उसके अकॉर्डिंग तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट तो ये पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, आई एम नॉट यूजिंग स्केल्स प्रॉपरली हियर। तो टोटल थिकनेस क्या आएगा, रियल डेप्थ वन प्लस रियल डेप्थ टू। What is real depth 1? 10/3. And what is real depth 2? 4/3. 14/3. What is 14/3? By the way, 14/3 kitna hoga? Dekho aap, you will get answer. Right? So, ideally, abhi bhi question jo hai, somewhere calculations ka part, you have to do. Maine sirf aapko ek rough idea batai hai ki kya karna hai. Okay? You have to solve this. I am not saying precisely कि answer यही आएगा. I am saying calculation खुद करो आप. Maybe I have done something wrong. That is okay. जो भी calculation मैंने गलत दिखी होंगे, that is something you are supposed to correct. So I will erase calculations from here. सिर्फ idea बता देता हूँ मैं. Idea ये है, एक side से देखा तो 5 सेंटीमीटर पे दिखता है, दूसरे side से देखा तो 2 सेंटीमीटर पे दिखता है. That is the idea. ये apparent depth है. फिर आप रियल डेप्थ फाइंड करोगे, मैंने फॉर्मूला बताया आपको रियल डेप्थ, ओके। एक साइड से रियल डेप्थ सपोज आपको x1 मिल गया, दूसरी साइड से रियल डेप्थ आपको x2 मिल गया, रियल डेप्थ मिल गया, रियल इन रियलिटी ऑब्जेक्ट यहां पे था इस लाइन पे। तो एक साइड से रियल डेप्थ x1 मिल गया, दूसरी साइड से रियल डेप्थ आपको x2 मिल गया। तो x1 plus x2 मतलब real depth from one side, real depth from other side, that will give you total thickness. तो आपको total thickness of slab ऐसा निकालना है, calculations आपको खुद को करने हैं। I am telling you मेरे calculations गलत हो भी सकते हैं, because मैं I have not done it, you are supposed to do calculations, so just apply this idea and do calculations for yourself. So we'll stop here for today.